हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लॉटल नंबर अपडेट का एंड पैच पैचनोड आ गया है दो बजे थोड़ा लेट आया दो बजे है चलो देखेंगे सो वी आर गेटिंग अ न्यू सुपर हीरोम्बाकू एंड टीयर फोर फॉर नेम्बू एंड टीयर थ्री फॉर सूरी एंड वी आर गेटिंग अ टू कैरेक्टर अभी कैन हो रहा है गैस एक तो है नॉट और एक कैरेक्टर है वो मैं बताता हूँ एंड वी आर गेटिंग अ न्यू लेजेंडरी बैटल ओके चलो हम लोग चेक क्यू करते हैं एंड वी आर गेटिंग सी टी पी रीफोर्स एंड न्यू कॉमिक कार्ड डेक करके हारा है आई थिंक सो मेनी प्लेयर्स आर एंग्री गैस ये सो मेनी पीपल्स आर एंग्री विथ दिस न्यू यूनिफॉर्म चलो देखेंगे न्यू यूनिफॉर्म नॉट न्यू न्यू कार्ड डेक का बारे में चलो पहले देखो एंड पहले चीज़ डिसअपॉइंटिंग है इज नॉट ए फ्री कैन कैरेक्टर येस ईज सा प्रीमियम कैरेक्टर नो टीयर थ्री एडवांस वन नथिंग ओनली लेवल सिक्सटी तक है यम्भाव को इस न्यू कैरेक्टर आपको पैसा देना पड़ेगा नौ सौ रुपया देना पड़ेगा तभी बायोमेट्रिक सब्सक्रिप्शन है एंड आपको मिलेगा इसमें से लेजेंडरी बैटल में से लेवल थ्री स्टेज थ्री करेंगे ना तो मिलेगा एम्बाकू इज गोइंग टू बी वन स्टार कैरेक्टर ऐसा एंड प्रीमियम हीरो चेस्ट में मिलेगा तो पैसा देख के पे वॉल कैरेक्टर हो गया एज वी ऑल नो एंड लीडरशिप अच्छा आएगा थर्टी परसेंट इंक्रीज ऑफ फिजिकल अटैक बस बाकी नथिंग इज गुड हाँ पैसिव अच्छा है इंक्रीज बेसिक सपोर्ट कैरेक्टर बोल सकते हैं इंक्रीज बेसिक डेल टू सुपरविलन फोर्टी फाइव एंड डिक्रीज सुपरविलन थर्टी फाइव ओके सपोर्ट कैरेक्टर विथ नॉर्मल लीडरशिप ओके लीडरशिप बोलूँगा थर्टी इंक्रीज फिजिकल बट वेल्ट बॉस लेजेंड में यूज कर नहीं सकते हैं इज ओनली टीयर टू एंड नो टीयर थ्री नो ट्रांसजेंडर ओके एंड चलो यूनिफॉर्म को देखेंगे न्यू थ्री यूनिफॉर्म नी अ मोर देखो गाइज मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ ओनली वन मंथ रिमेनिंग वन मंथ भी नॉट ए महीने में लास्ट वीक में आपको ब्लैक फ्राइडे आएगा फिफ्टी परसेंटेज डिस्काउंट होगा विच इज सो so गुड सो so मैनी क्रिस्टल आप लोग सेव कर सकते हैं तो एक ही चीज़ बताऊंगा स्किप द यूनिफॉर्म डोंट परचेस एनी यूनिफॉर्म डोंट परचेस एक भी यूनिफॉर्म परचेस मत करो ऐस ए न्यू प्लेयर परचेस करो बट जितना दिन से आप नॉर्मली आपके पास चार पांच यूनिफॉर्म है नहीं तो नॉर्मली वर्ल्ड बॉस क्लियर कर रहे हैं पी पी वी पी खेल रहे हैं तो स्किप करो स्किप द ऑल यूनिफॉर्म वेट फॉर द ब्लैक फ्राइडे गाइस तो मे बी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ नेमोर लगने के लिए मुझे लग रहा है नेमोर इज गोइंग टू तो बी सो ओपी कैरेक्टर ऑलरेडी ओ पी है यस टू ईयर पहले ही बहुत ओ पी था डेंजर रूम करके मोड़ था वो सब हटा दिए बट डेंजर रूम बहुत सारा वर्ल्ड बॉस सब में अच्छा खेल रहा था अभी भी वैसे लग रहा है एंड इज गोइंग टू बी टीयर फोर तो लेकिन स्किप करो एंड सूरी के बारे में बताऊंगा सपोर्ट है बट आई डोंट नो थिंक गेम में आने के बाद बताऊंगा बट एक ही चीज़ है आपको दिख रहा है स्क्रीन में स्किप करो यस लिटरली स्किप करो डोंट परचेस एनी यूनिफॉर्म ओके एंड आयरन आर्ट सेम आई एम टेलिंग यू लीडरशिप अच्छा है बस फिफ्टी फाइव परसेंटेज इनक्रीज एनर्जी अटैक बस बाकी ज़्यादा कुछ नहीं स्किप करो सभी यूनिफॉर्म डोंट परचेज बिकॉज अभी परचेज करेंगे ना एक हज़ार पाँच सौ पचास क्रिस्टल देना पड़ेगा ब्रैक फ्राइडे आठ एट हंड्रेड सेवन फिफ्टी क्रिस्टल सेवेंटी फाइव क्रिस्टल होनी आपको पे करना पड़ेगा विच इज यूज आप लोग दो सौ दो सौ का लेंगे ना उसमें एक यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हैं ओके स्किप करो मैं सबको रिकमेंडेड प्लीज डोंट बाई एनी यूनिफॉर्म तो कितना भी बड़ा होना दे परचेस मत करो ऐसे फ्री टू प्लेयर कैरेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं ना परचेज मत करो हाँ टीयर थ्री कर सकते तो सूरी को यूनिफॉर्म लेकिन ओनली थ्री वीक्स गाइस ओनली थ्री वीक्स तीन हफ्ते के बाद आपको ब्लैक फेडे आ जाएगा विद इन टू फोर डेज में ना चेक इन इवेंट आएगा तो टीयर थ्री सेलेक्टर सेलेक्टर बहुत सारा फ्री स्टेप्स मिलेगा तो वेट करो एंड टीयर थ्री कर सकते हैं और एक बार बोलता हो टीयर थ्री सूरी को कर सकते हैं ऐसे सपोर्ट यूज करते हैं ऑलरेडी आपके पास यूनिफॉर्म है ब्लैक पैंथर का यूनिफॉर्म रहेगा तो अच्छा है वेल्ट बॉस लेजेंड में यूज कर सकते हैं ऐसे सपोर्ट कैरेक्टर दिस इज टीयर थ्री टीयर

लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा एंड नेमोर इज गोइंग टू बी टीयरफोर अवेकन हो रहा है आई नॉट उसके साथ अवेकन हो रहा है मूनगल मूनगल मून ऑल्सो अवेकन तो विच इज़ सो नाइस अनएक्सपेक्टेड बट विदाउट यूनिफॉर्म इज गोइंग टू बी नॉट सो गुड गाइस विदाउट यूनिफॉर्म आपको मालूम है कोई भी जगह पे यूज कर नहीं सकते हैं सो दिस इज अवेकन देखो आपको अच्छा है नॉर्मल ओके बोलूंगा स्किल्स एनिमेशन अच्छा है बट विदाउट यूनिफॉर्म गल इज गोइंग टू बी सफर बट आई नॉट वी विल देखना पड़ेगा एंड वी आर गेटिंग ए न्यू लेजेंडरी बैटल ओके रहता हूँ सी रिलीज ब्लैक पंथ एंड एम्बाकू मिलेगा मैं बोला ना थर्ड स्टेज में आपको दिखाना स्क्रीन में थर्ड स्टेज में आपको एम्बाकू मिलेगा ऐसा वन स्टार ओके एंड चलो मैं इसमें देखता हूँ दिखा देता हूँ इसमें डोंट परचेज इसमें देखो परचेज दो हज़ार पाँच सौ क्रिस्टल वेस्ट मत करो बिकॉजन इज ए वेस्ट मीन वेस्ट में नहीं बल्कि वो सिटी पे डिस्टिनेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होगा तो उसे परचेस मत करो वही मैं बोलूँगा एंड दो हजार पाँच सौ क्रिस्टल भी लेना इतना वर्थ नहीं है अम्बा को इज़ नॉट सो वर्थ मतलब उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे जब टीयर थ्री नहीं कर पाएंगे मे बी मिड मंथ में हो सकता है स्टिल वी आर मिड मंथ इज कमिंग है दो मिड मंथ रे दे सकते हैं लोग यस तो वेट करके देखना पड़ेगा बिकॉज इज लीडरशिप एंड सपोर्ट इज गुड सुपरविलन इंक्रीज डिक्रीज फोर्टी थर्टी फाइव कुछ तो दिए एंड लीडरशिप थर्टी परसेंट बिच इज सपोर्ट एंड लीडरशिप के लिए अच्छा है देखना पड़ेगा एंड स्टेज थ्री के लेंगे ना न्यू स्टेज थ्री करेंगे ना आपको एम्बा को मिलेगा दिस इज द लेजेंडरी बैटल रिवॉर्ड गाइस नॉर्मल सा कह लेंगे तो आपको एडन टिकट ओके नॉर्मल ओके इस रिवॉर्ड बोलूंगा एंड जब 2500 क्रिस्टल देंगे आपको 500 रिटर्न मिलेगा एंड आपको 200 सौ अवेकन क्रिस्टल कार्ड क्रॉप्टिंग मिल रहा है एंड सूरी का आपको फोर स्टार आर्टिफेक्ट भी मिल रहा है सेकंड पोटेंशियल रियलाइज टिकट भी मिल रहा है अभी रिजेंटली फ्री मिला था एंड एक आईकॉन सिटी पी ऑफ डिस्ट्रेक्शन विच इज सिज देना चाहिए था मेरे हिसाब से रेज इज सो सो Rare guys, so so rare and now this from this update रेज भी ट्र रिफोर्ज हो रहा है मतलब माइटी और माइटी ब्रिलियंट सी टी पी रिफोर्ज हो रहा है वो भी पता नहीं देखो सी टी पी रिफाइन मैं ओके इसमें देखो दो सीटी पी हो रहा है एक तो सिपी ऑफ एग एक बोल सकते हैं सि टी पी ऑफ रेज ओके माइटी सी टी पी बिल्ड एक माइटी सिटी पी एक ब्रिलियन सिटी पी माइटी में ज़्यादा उतना फर्क नहीं रहेगा लेकिन जितना ब्रिलियन में रहेगा ब्रिलियन लेकिन बहुत कॉस्टली एक रेज को रिफोर्स करने के लिए आपको चार पांच रेज को चाहिए हमारे पास एक रेज मिलने के लिए हम लोग सालों से नहीं मिल रहा है इवन स्पेंडिंग क्रिस्टल ऑल्सो रेज मिलता नहीं है यस मच सो रेयर एंड ईयर वी गो पैसा ग्रह पैसा चीना बोल सकते हैं फ्री टू प्ले बहुत सारे प्लेयर नॉट ओनली फ्री टू प्ले एवरी प्लेयर एंग्री विथ कार्ड डेक एडेड मतलब य कॉमिक का डेक प्रिपेयर फॉर वेरियस इज एडिशनल कार्ड डेक मतलब इसमें क्या करेगा दो सेट कर सकते हैं ऐसा लग रहा है आई थिंक सो देखो सिक्सटी परसेंट प्लेयर से ज़्यादा लोग के पास अभी भी क्राफ्ट कर नहीं पाएस बिकॉज इट्स सो कॉस्टली गैस विदाउट स्पेंडिंग क्रिस्टल यू कैन क्राफ्ट और पच्चीस परसेंट प्लेयर लाने के लिए तो सोचो ही मत कि इतना क्रिस्टल लगेगा और इसमें से ये लोग और भी कार्ड लेके आ रहे हैं मतलब आधार क्रिस्टल ज़्यादा दो और तुम लोग पी वी पी कार्ड करके बनाओ ये सीटी पी में देना चाहिए था मतलब सिटी पी में एक पी वी पी पी वी ई लाइक एस्पैड्राम पी वी पी में भी यूज कर सकता है पी वी ई सी टी पी में एक्स्ट्रा देने के लिए प्लेयर लोग बोल रहे थे मतलब वेल्स लोग लेकिन नॉर्मल सा प्लेयर लोग अभी फ्री टू प्लेयर नॉर्मल मेरा जैसा प्लेयर तो कोई स्पेंड नहीं करेगा गैस आई एम नॉट देखेंगे जब गेम पे आएगा देखेंगे एंड एडिट अप्लाई डेक वन डेक टू मतलब इसमें से आपको सेट कर देने का कि अभी कौन सा कंटेंट में कौन सा सेट यूज़ होगा अभी स्टोरी मोड में पी यूज़ होगा अभी टैमल बैटल में सेट टू सेट टू में पी वी का, का कार्ड कलेक्शन रहेगा ज़्यादा एच रहेगा हाई डॉज रहेगा ऐसा रहेगा तो ऐसा सेट कर अप्लाई कर सकते हैं हीरो डिटेल्स वो आने के बाद गेम में आते के बाद बता देता हूँ न्यू आर टीफाइव ट्रैश डोंट पर मतलब पैसा एवरीथिंग इज कॉस्ट क्रिस्टल गैस तो मनी न्यू फ्यूचर पास एस ए फ्री ट्यू प्लेयर मेरा प्रीमियम कार्ड कार्ड प्रीमियम कॉमिक कार्ड मिल रहा है थ्री हंड्रेड टोकन छह सौ देना चाहिए बट्स ओके तीन सौ तो मिल रहा है तीन सौ हम लोग वेल्ट बॉस वेल्ट बॉस नहीं लेजेंडरी जी बी आर केल के हम लोग को तो मिल जाएगा ओके एंड वी आर गेटिंग फॉर न्यू आईकॉन अच्छा लग रहा है एंड वन न्यू यूनिफॉर्म कलेक्शन ओके दिस इज द यूनिफॉर्म कलेक्शन वी आर गेटिंग एंड अदर इम्प्रूवमेंट चेंजेस डेमोन्सि इम्प्रूवमेंट ऐसे छोटा छोटा अपग्रेड दिए ओके एंड एक चेंजेस मैं बता देता हूँ इस प्ले टाइम अलायंस बेटल नॉर्मल है ना पहला दस मिनट खेल सक दस मिनट के अंदर कभी भी मार सकते थे अभी पाँच मिनट कर दिए ओके विच इज़ डिसएडवांटेज बोलूँगा यस डिसएडवांटेज मतलब पहला दस मिनट रहेगा ऐसे न्यू प्लेयर लोग को टाइम लगता है थ्री मिनट फोर मिनट से ज़्यादा लगता है लेकिन अभी जो भी विद इन फाइव मिनट्स के अंदर अलायंस बैटल नॉर्मल खेलना पड़ेगा वो एक चीज बता देता हूँ एंड लुक है ना जेन फॉस्टर का मार्बल का जेन फॉस्टर का लुक अपग्रेड किया गया है तो और एक चीज बता देता हूँ टीयर फोर स्किल है ना बैनम का उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा टेक्स्ट एड किए हैं ओके एंड गेम एरर फिक्स विच इज सो मेनी पीपल एंग्री गाइस मैं वो भी बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ है ना हल्क नर्फ होने वाला है जो भी हल्क टीयर फोर की है ना टीयर फोर का बफ है ना मतलब टीयर फोर का अटैक कुछ ज्यादा ही था जितना ये लोग इंटेंशनली नहीं दिए थोड़ा बग बोल सकते हैं गलती से हो गया द इशू और फाइनल डैमेज इंक्रीज इफेक्ट टीयर फोर स्टाइकल स्किल अप्लाइड हाइयर देन द इनिशिएटर टू तो बी फिक्सड टारगेटेड हीरो हल्क हल्क है ना नर्फ होने वाला है तो अब के बाद आ, हल्क मे बी नॉट मस्ट वाई यूनिफॉर्म होगा आई डोंट नो वी विल देखना पड़ेगा और एक चीज़ बोल देता हूँ टीयर फोर स्किल का ब्लैक बोल्ट है ना इंक्रीज होने वाला मतलब इसको बफ करने वाला है सब गेम एरर फिक्स कर रहे है तो बस इतना पैच नोट गाइस थोड़ा आगे पीछे है पैच नोट दिस टाइम अराउंड नॉट पैच नोट इज नॉट सो गुड बट देखेंगे तो आज मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो थैंक यू फॉर वॉचिंग